हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से आ गई हूँ आप सबके सामने एक तो नया टॉपिक लेकर। आज का जो मेरा टॉपिक है वो सुनने में सिंपल है लेकिन लड़कों के लिए बहुत हेल्पफुल है, खासकर की लड़की पटाने के लिए। देखो, आप लोगों में जो लोग नए नए इंचेस क्रॉस करके गए हो या जो लोग नया नया पहला कॉलेज में गए हो, भाई उम्र तो हो रही है, बड़े हो रहे हो, एडल्ट नाउ, 19+ ऑब्वियसली एडल्ट नाउ, तो अब सबको ही जी करता है कि यार कितना दोस्तों के साथ घूमे फिरे, मस्ती करे। एक लड़की साथ में होती है तो मामला सेट हो जाता है। तो ऐसे जो लड़का लोग सोच रहे हो नए नए फर्स्ट डेट बनाओगे या थोड़ा लड़की के साथ घूमोगे फिरोगे या फाइनली फॉर्चुनेटली उसके साथ रिश्ता बनाओगे, तो तुम लड़कों के लिए कुछ छोटे छोटे से टिप दे रही हूँ अपनी उस पसंद की लड़की से मिलने से पहले। नंबर वन, दैट इज आप जब जाओगे ऑब्वियसली बहुत ही बन ठन के जाओगे, हफ्ते के 6 दिन बासी कपड़े बासी जूते बिना नहाए भले ही बिता दो भाई, तुम लड़कों का काम ही वही है, लेकिन जब उससे मिलने जाओगे तो प्लीज़ अच्छे से फ्रेश होके, अच्छे कपड़े वपड़े पहन के, अच्छे जूते पहन के ऑब्वियसली बन ठन के बाल बना के जाना। और हाँ, जब बनाते जाओगे परफ्यूम या डियो जो यूज़ करोगे वो ज़्यादा वाइल्ड नहीं होना चाहिए। आई मीन उसमें थोड़ा रोमांटिक सॉफ्ट फीलिंग वाले जो परफ्यूम्स जो डियोज लड़कों के लिए रहते हैं, स्पेशली लैवेंडर या जैस्मिन, इस टाइप के जो परफ्यूम्स होते हैं, दैट वॉज अ ग्रेट। नंबर टू, दैट इज आप लोग जब लड़की से मिलते हो बातचीत करते हो तो पहले दिन में बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट लेके मत जाना। इट इज़ बेटर आप एक कैडबरी लेकर जाओ उसके लिए, या कहीं रेस्टोरेंट या कहीं भी मिलते हो कैडबरी लेकर जाओ, कुछ रोज लेकर जाओ या कुछ भी ऐसा इस टाइप का। पहले भेंट में बहुत हेवी महंगा कोई हार, महंगा कोई ये सब मत लेकर जाना, क्योंकि देखो मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, मैं खुद भी लड़की हूँ, अगर वो लड़की तुम्हारे गिफ्ट से पड़ जाती है तो वो एक ही झटके में सोच लेती है भाई इस लड़के के पॉकेट में ढेर सारा पैसा रहता है, इसलिए जब भी जी करे इसका गर्दन मरोड़ लो। सो अगर अपनी गर्दन नहीं मरवानी हो तो ऑब्वियसली इस बात को चेक करो, वॉट एवर गिफ्ट यू टेक फॉर हर प्लीज़ मेक श्योर इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव और टू कॉस्टली, क्योंकि भाई सबको अपना पॉकेट और बजट दोनों संभालना है भाई। नाउ थर्ड पॉइंट इज उससे मतलब जब सपोज जैसे उसे तुम मिले तो उसको घर तक छोड़ देना या एटलीस्ट बस में ऑटो में या किसी कैब में उसको चढ़ा देना, फिर सपोज जैसे पहुंच गई हो कि नहीं, बस पहले दिन में उतना तक ही बात करो, इससे ज़्यादा मत बात करो। और मतलब जब तक वो लड़की तुमसे बिल्कुल घुल मिल नहीं जाती उसको रिपीटेडली फ़ोन मत किया करो या रिपीटेडली व्हाट्सएप में पिंग मत करो, क्योंकि क्या होता है ना, देखो हर लड़की का ही एक अपना पर्सनल लाइफ होता है, हो सकता है कि शायद वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बिजी हो और मे बी वो किसी और रीज़न से बिज़ी हो, और अगर वो तुम लोग की तरह कॉलेज स्टूडेंट है तो ऑब्वियसली कॉलेज पीरियड में तो उसका पढ़ाई होगा ही, क्योंकि भाई पढ़ लिख के बड़ी नहीं बनेगी, तुमको भी अपनी पढ़ाई पूरी करनी है तो तुम लोग अपने पाँव में खड़ा होना है, तभी तो और मस्ती कर सकते हो, खड़ा नहीं होके क्या मस्ती करोगे भाई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज उससे कभी गलती से भी अगर वो खुद तुमको ना दे, लास्ट का जो मैं एडवाइस बोल रही हूँ प्लीज़ उसको बहुत ही माइंडफुली सुनो, अगर किसी कोई लड़की या तुम्हें अगर लगे कि उस लड़की को तुमको पटाना है, एज अ गर्लफ्रेंड बनाना है, नॉट फॉर द टाइम पास, उससे पहले ही 2-3 डेट के बाद वाइल्ड पिक्चर्स नहीं मांगना। जो आजकल के लड़कों में ये हैबिट बहुत ख़राब हो गई है, इधर वीडियो कॉलिंग या इधर बोलते हैं पिक्स भेजो, मतलब जैसे बोलते हैं लड़की को कि तुम लोग कुछ ओपन हो के पिक्स दो, कोई हॉट सा पिक दो, कोई ये दो वो दो, ये सब बातें पहली डेट में प्लीज़ किसी लड़की को मत बोलना, इट्स वेरी बैड, क्योंकि इट्स आउट ऑफ कर्टसी एंड एज वेल एज अगर आप ऐसा बोलते हो तो लड़की झट से समझ लेती है कि ये बंदा मेरे लायक नहीं है, इसका मतलब सिर्फ मेरे साथ सोने का है बस और कुछ नहीं। सो अगर तुम अपना इम्प्रेशन
ठीक रखना चाहते हो उस लड़की के सामने, तो ऑब्वियसली ये कुछ टिप्स ज़रूर फॉलो करना। हाँ, लड़की अगर अपने से तुमको दिखाती है, शो ऑफ करती है, अपने से तुमको पिक्चर सेंड करती है, वो अलग बात है, तब तुम उससे मांग सकते हो। लेकिन जब तक वो खुद तुमको नहीं देती, तुम अपने से मांग के अपना इम्प्रेशन खराब मत करो। और ये भाई मैं अपने पर्सनल तजुर्बे से तुमको बोल रही हूँ, सो प्लीज़ डू माइंड इट। सो आज यही तक। उम्मीद है तुम लड़कों को, मेरे सारे बॉय सब्सक्राइबर्स को, मेरी ये छोटे छोटे से टिप, लेकिन बहुत वाइटल टिप है बॉस, इस सारे टिप्स आप सबको अच्छा लगे हो। और अगर आपको इससे कोई बेनिफिट मिला हो, मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस वीक का, क्योंकि सामने हॉलीडेज आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो लोग मैं लव करते हो उनके लिए आप एक्चुअल टाइमिंग होगा, छुट्टी का मौसम है, उस टाइम अपने डेट्स पे जाना, तो ऑब्वियसली अपने फीडबैक्स डेट में जाते वक्त उस लड़की से इंटरेक्ट करने के बाद मुझे ज़रूर देना, क्योंकि तुम लोगों के वैल्यूएबल कमेंट्स फीडबैक्स हमको बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे बातें करना अच्छा लगता है भाई। और जाते जाते ऑब्वियसली फिर से एक बार याद दिला दूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, तुम लोग अपने दोस्तों को बोलो, भाइयों को बोलो, पूरा झुंड बना के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करके पास में दिया हुआ छोटा सा बेल का जो आइकॉन है वो दबाने मत भूल लो, और अपनी वैल्यूएबल फीडबैक और कमेंट्स मुझे ज़रूर देना। आई विल बी बैक विद अ न्यू फ्रेश वीडियो विद अ न्यू फ्रेश टॉपिक। टिल देन।